हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू हैप्पी हम्बल लाइफ। आई होप आप लोग सब बहुत खुश होंगे और ठीक से होंगे। और यहाँ पर काफ़ी ठंडा मौसम है और काफ़ी बारिश भी हो रही है। इस संडे मैंने कुछ क्लिपिंग्स ली थी कि व्लॉग बनाऊंगी, लेकिन पूरा नहीं बना पाई। तो मैंने जो भी क्लिपिंग्स ली हैं डे इन माय लाइफ, नॉर्मली इट्स एक्चुअली 2 डेज़ क्योंकि आज मंडे है, तो आप वो जाके देखिए। आई होप आपको अच्छा लगेगा। मेरी सोसाइटी का टूर, कुछ पॉटफुल की बिरयानी जो हमने घर पे ट्राई की थी बनाने के लिए और बहुत अच्छी बनी, वो सब मैं इस व्लॉग में शेयर कर रही हूँ। और मुझे लगता है कि थोड़ा सा आपसे मुझे ये रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज़ लाइक ज़रूर करें वीडियो को और कमेंट भी करें, जो भी आपको अच्छा लगता है, कुछ आप डिस्कस करना चाहते हैं तो उन चीज़ों को डिस्कस ज़रूर कीजिए, कमेंट्स में लिखिए, सो दैट वी कैन फॉर्म अ गुड कनेक्शन। मीनवाइल आप जाके व्लॉग देखिए और आई होप आपको अच्छा लगेगा। तो फिर मिलते हैं। मॉर्निंग टाइम एंड वी आर गेटिंग रेडी टू गो टू स्कूल, वेटिंग फॉर अ फ्रेंड जो मुझे पिकअप करेगी। मीनवाइल सब स्कूल्स के लिए रेडी हो रहे हैं, हर कोई निकल रहा है। इधर वैन्स खड़ी हैं बच्चों को ले जाने के लिए। एडिटिंग कर रही थी और मैं देख रही थी कि वो वेजिटेबल्स जो हैं वो स्क्रीन पे भी इतनी फ्रेश लग रही हैं। और आप सोचो कि ऐसी क्या बड़ी बात है, क्योंकि यहाँ पे जो है हमारे अपार्टमेंट में ना अंदर एक ही वेजिटेबल वेंडर आता है रोज़ तो नहीं आता, आई थिंक 2 दिन छुट्टी करता है, थर्सडे और संडे को। तो संडे को जब हमारी छुट्टी होती है तो हमें वो नहीं मिल पाती हैं फ्रेश वेजिटेबल्स। वैसे हमारा जो अपार्टमेंट है वो थोड़ा मेन रोड से अंदर को है, तो क्या होता है कि हम लोग अंदर एक्चुअली एक बीबी इंस्टेंट की वेंडिंग मशीन भी है, उसमें कुछ बेसिक आइटम्स रहते हैं डेली यूज़ के, और ये वेजिटेबल वेंडर रोज़ आता है। तो जब भी मैं उसकी फ्रेश वेजिटेबल्स देखती हूँ तो बहुत मन करता है कि जैसे नॉर्थ इंडिया में होता था, यहाँ भी कई एरियाज़ में होता है, हमारे एरिया में नहीं है, कि वो ठेले पर सब्ज़ी लेके आते हैं और आप यू नो जाके फ्रेश सब्ज़ी लेते हो और सोचते हो आज ये बनाना है और ये लेना है। तो वो बहुत मिस करती हूँ मैं यहाँ पे। तो इसलिए जब भी आता है तो मैं बहुत ही खुश होती हूँ कि अगर मैं जाके ला सकूँ फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स तो अच्छा लगेगा। दूसरा ये है कि रिसेंटली मैं स्विगी से और उससे जब से कोरोना हुआ था तो मोस्टली सब लोग ऑनलाइन ऑर्डरिंग ही ज़्यादा कर रहे हैं, तो स्विगी है, बिग बाज़ार है, कई जो हैं जिनकी वैन्स अंदर आती हैं, दे डिलीवर, ब्लिंकिट भी है, बहुत जल्दी 8-10 मिनट में डिलीवर कर देते हैं। पर उसमें ये होता है कि आपके पास चॉइस नहीं होती एक तो आप मजबूरी में मंगवाते हो, जो कि मैं भी करती हूँ क्योंकि मैं वर्किंग हूँ, तो जब इमीडिएटली कुछ चाहिए हो तो वहाँ से ऑर्डर करती हूँ। दूसरा ये है कि एक तो चॉइस नहीं होती, दूसरा ये है कि उसमें जो भी आता है ठीक है वो रिप्लेस भी कर देते हैं, कभी कभी रिफ़ंड भी कर देते हैं, पर आपका उस पर क्वान्टिटी पर ज़्यादा कंट्रोल नहीं होता, और दूसरी वो एक्सपेंसिव भी होती हैं। और फिर ये है कि उन चीज़ों की फ्रेशनेस आप नहीं जान सकते, आ गई अच्छी तो ठीक है, नहीं आई तो समहाउ काम चलाना भी पड़ता है। तो इसीलिए मैं ये फ्रेश वेजिटेबल्स देख के बहुत खुश होती हूँ, और ब्लॉग में आप देखोगे कि बार बार ये दिखाती है फ्रेश वेजिटेबल्स। तो इट्स जस्ट बिकॉज ऑफ दैट रीज़न। तो अभी कल छुट्टी है तो मैं जाऊंगी और ज़रूर इस बात का फ़ायदा उठाऊंगी कि मुझे वेजिटेबल्स लेके आनी है, फ्रूट्स लेके आने हैं, तो थोड़ा सा वो रहता है कि आप खुद से सिलेक्ट करके ला सकते हो। तो बस यही है, इसीलिए आपको क्लिपिंग दिखा रही हूँ।
और ब्लिंकिट में क्या होता है कि जैसे आप ऑर्डर करते हो, और ऑर्डरिंग एप्स में भी होता है, डिफरेंट डिफरेंट तरीके हैं उनके कि वो डिलीवरी चार्जेस लगाते हैं, तो वो ठीक है, इट इज़ नॉर्मल। पर रिसेंटली मैंने नोट किया कि मैं बार बार स्विगी से थोड़ी थोड़ी चीज़ें मंगवा रही हूँ, एंड उसमें क्या होता है कि आपका मिनिमम कुछ डिलीवरी चार्ज होता है, विच इज़ फाइन, आप दे देते हो। लेकिन कभी कभी क्या होता है, आजकल यहाँ बारिश का सीज़न बहुत ज़्यादा है, तो कभी एकदम से आपको कुछ चाहिए हो तो उनका इंस्टामार्ट बंद होता है बिकॉज ऑफ रेन, दे आर नॉट डिलीवरिंग। और दूसरा ये है कि अपार्ट फ्रॉम दैट डिलीवरी चार्ज, दे विल ऑल्सो पुट अ रेन का सर चार्ज, एंड समटाइम्स दे विल पुट कि दिस इज़ अ वेरी हाई डिमांड, पीक डिमांड टाइम, तो उसका भी चार्जेस लगाने लग गए हैं वो रिसेंटली, जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा लगता है आपको कि आप कुछ चीज़ें मंगवाते हो कन्वीनियंस के लिए, पर कंपनीज अगर इस तरह से आपको एडिशनल चार्जेस लगाते जाएं, तो इट बिकम्स वेरी एक्सपेंसिव ऑल्सो, एंड समवेयर यू फील, समटाइम्स यू फील इट्स नॉट अप्रोप्रिएट, बिकॉज आप सडनली, आप जब आप अपना बिल देखते हो टोटल में, तो आपके काफ़ी चार्जेस लग गए होते हैं उसमें, तो वो स्पेशली अभी रेनी सीजन में बहुत मुश्किल है। तो ये जब चीज़ें अंदर आती हैं तो फिर अच्छा लगता है कि आप जाके ले लो। तो आज हमने मंगवाई थी एक नई चीज़ जो कि हमें स्विगी पे पता लगी, ये है पॉटफुल की मेक एट होम बिरयानी, और इसमें लिखा है कि 25 मिनट्स में आप बना सकते हैं घर पे और फ्रेश बिरयानी खा सकते हैं। तो हमने सोचा चलो ट्राई करते हैं कुक एट होम फ्रेश दम बिरयानी फ्रॉम पॉटफुल। और इसमें क्या क्या है, ये बॉक्स था, इसके अंदर आए हैं राइस, आई थिंक दिस इज़ हाफ बॉइल्ड राइस, और इसके साथ आया था चिकन का मैरिनेटेड मिक्स जो कि अभी मैं बना रही हूँ। तो इसमें मैंने कोई पानी ऐड नहीं किया है, जो भी इसमें मिक्सचर आया है इट्स ऑलरेडी फिल्ड विद मसालाज एंड एवरीथिंग। ये थोड़ा सा पक जाएगा तो इसके ऊपर मैं डालूँगी राइस, और इसके साथ ये है सैफ्रन वाटर, फ्राइड अनियंस और प्योर घी, तो इस सब से आई थिंक बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा। बनाने के बाद मैं दिखाती हूँ आपको कि कैसी बनी है। तो उस मिक्सचर में जो चिकन का मिक्सचर था उसको थोड़ा सा मैंने पका लिया, और उसके बाद मैंने उसमें ऊपर चावल से लेयरिंग कर दी है, और ये देसी घी जो आया था इसके साथ वो भी मैंने डाल दिया है, स्प्रेड हो जाएगा। और फिर इसके साथ आया था ये सैफ्रन वाटर, तो मैं सैफ्रन डाल रही हूँ। खुशबू तो अच्छी आ रही है, देखिए कैसी बनती है। और फिर यहाँ पे है फ्राइड अनियंस जो भी इसके साथ आए हैं, तो ये फ्राइड अनियंस भी मैं इसमें डाल दूंगी, ऊपर से जैसे बिरयानी में स्प्रेड करते हैं, तो ये जो सारी चीज़ें इसके साथ आई हैं हमने इस पर स्प्रेड कर दी। पर फ्रैंकली क्योंकि मैं गैस पे बना रही हूँ और ये स्टील की कढ़ाई है तो ये नीचे जल ना जाए, इस वजह से मैंने थोड़ा सा इसमें पानी ऐड किया, जस्ट लाइक 3 स्पून्स ऑफ वाटर, और मैंने इसमें डाल दिया है ये अनियन, और इसको गैस को मैंने बहुत स्लो कर दिया है क्योंकि दम बिरयानी है, तो मैंने इसे बड़े बर्नर से छोटे बर्नर पर शिफ्ट कर दिया है, और इसको मैं अब 5 मिनट के लिए रख दूंगी क्योंकि इसमें पानी डाला है तो थोड़ा सा ये दम में पकेगा, और फिर देखते हैं कि कैसी बनती है बिरयानी। गाइज मैं आपको क्या बताऊँ, मैं शॉट लेना ही भूल गई, इतनी अच्छी स्टीमिंग हॉट और बहुत ही टेस्टी बिरयानी बनी है, मैं आपको दिखाती हूँ। एक्चुअली मैंने बच्चों को डाल के भी दे दी, ये पीस है चिकन का, आई एम सॉरी फॉर वेजिटेरियन, ये सारी चीज़ें मिक्स करके अच्छे से ये मिक्स हो गया, और इतनी अच्छी खुशबू आ रही है पूरे घर में, बिकॉज इंग्रेडिएंट्स सोनी के थे, तो आप बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल बिरयानी ये घर में बना के खा सकते हैं, और बिल्कुल ही वैसा फ्लेवर है, और खिले खिले राइस, और बहुत अच्छी बनी है ये, वेरी नाइस, फ्लेवर भी बहुत अच्छा है, तो मैं इतना अच्छा है कि हमने टेस्ट किया और मैं इसको ब्लॉक करना ही भूल गई कि मैं आपको पूरी कढ़ाई में दिखाती कि कैसी बनी है, पर बहुत अच्छी बनी है। अभी भी आप देखें तो ये सब मिक्स हो गया है और अच्छे से बना है, चिकन भी गल गया है, और बहुत ही टेस्टी लाजवाब बिरयानी बनी है। सो थैंक्स टू पॉटफुल फॉर इंट्रोड्यूसिंग दिस आइडिया कि आप घर बैठे रेस्टोरेंट स्टाइल बिरयानी आराम से खा सकते हैं, वेरी नाइस एंड वेरी टेस्टी।
आज यहाँ बहुत तेज़ बरसात हो रही है, हैवी रेनफॉल की वार्निंग भी है। तो पता नहीं आपको इस टाइम कैमरे में दिखेगा कि नहीं, बहुत तेज़ बारिश है और ये 2 दिन रहेगी। तो मैं अपने हस्बैंड का वेट कर रही थी। दे वर्क इन द नाइट मीन्स कि रात तक उनकी शिफ्ट रहती है, 9-10 बजे तक। और अभी 10:30 होने वाले हैं और उनका अभी रिस्पांस नहीं आया फ़ोन पे। मैं भी ड्राइव कर रही हूँ तो थोड़ा सा फिकर होता है, तो बस वेट कर रही हूँ कि उनका रिस्पांस आ जाए कि कहाँ पर हैं। तो ये वेदर है बैंगलोर का, अभी अगस्त एंड में काफ़ी तेज़ रेनफॉल है और वार्निंग भी है हैवी रेन की। जो हमारे लिए वहाँ हैवी रेनफॉल है और कुछ एरियाज़ में तो वेरी हैवी रेनफॉल की भी वार्निंग है। तो अभी 1-2 दिन बैंगलोर में ऐसा ही वेदर रहेगा। डिनर के लिए बने हैं आज राइस, जो कि मैंने एक्चुअली बॉईल कर लिए हैं, बासमती राइस। और यहाँ बन रही है एग करी, स्टीमिंग हॉट। ठंडे वेदर में अच्छा भी लगता है, और थोड़ी पतली करी के साथ मैंने बनाई है, जो कि राइस के साथ अच्छी भी लगेगी। तो अभी मैंने अपने हस्बैंड से बात की, वो पहुंच गए हैं घर के पास ही, तो थोड़ी टेंशन कम हो गई, बिकॉज़ बहुत तेज़ बारिश हो रही थी तो लग रहा था कि कहाँ पर हैं और रिप्लाई क्यों नहीं कर रहे। एक्चुअली वॉज ड्राइविंग, तो बोले कि ठीक है, मैसेज दे दिया कि मैं पहुँच रहा हूँ, तो वो टेंशन भी ख़त्म हो गई। मीनवाइल डिनर इज़ रेडी। आज मैंने बनाई है एग करी, विच इज़ वेरी सिंपल, बिकॉज़ थोड़ी ठंड है मौसम में, तो सोचा कि एग करी बना लेते हैं। और अभी 2 दिन स्कूल की छुट्टी है, तो मैं नीचे जाऊंगी कल सब्जी लेने, जो कि बहुत फ्रेश सब्जी लाता है, और आपसे शेयर करूंगी। कोशिश करूंगी कि सब शेयर करूं जो मैं कल करूंगी। और उसके बाद नेक्स्ट व्लॉग में आप वो सब देख सकते हैं। प्लीज़ फॉर्म अ कनेक्शन, स्टे कनेक्टेड एंड टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। बाय बाय।